हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इन्फोसिस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड यहां पे आप देख सकते हैं इन्फोसिस के स्टॉक में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली और यहां पर स्टॉक 1390 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या यहां पर हमें बाइंग करना चाहिए, इस पर हम करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे फ्रेश एंट्री के लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर हम जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं जिस चार्ट पर कर रहे हैं वो है डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। अब आप यहां पर देखिएगा 1650 रुपए का जो लेवल है यहां पर एक बड़ी गैप के बाद स्टॉक आया था, ये देखिएगा, और यहां पर आने के बाद एक रेंज बनी है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कहां तक करेक्ट हुआ था, लगभग यहां पर 1400 रुपए तक का करेक्शन हमें देखने को मिला। फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है 1550 तक और यहां से फिर गिरता है और कहां तक गिरावट होती है 1360 रुपए तक, ये देखिएगा। फिर से स्टॉक के अंदर आपको तेजी दिखाई दी और ये तेजी एक बार फिर से स्टॉक को ऊपर लेकर के गई, लगभग 1640 रुपए तक की आपको यहां पर तेजी देखने को मिलती है। फिर से स्टॉक में होती है गिरावट और ये गिरावट स्टॉक को नीचे लेकर के आती है। कहां तक होती है गिरावट, तो आप यहां पर देख सकते हैं लगभग 1360 रुपए तक गिरने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ गया। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, नीचे की तरफ जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 1360 पे बना हुआ है, ये देखिए। इसके नीचे हमें स्टॉक जाता हुआ नहीं दिखाई देता और यहां तक आने पर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तक, तो आपने देखा फिर से 1650 के कुछ ऊपर तक स्टॉक यहां पर जाता हुआ आपको दिखाई दिया। इसके बाद स्टॉक फिर से नीचे की तरफ करेक्शन करता है और यहां पर 1450 रुपए तक गिरने के बाद स्टॉक आपको फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और कहां तक की आपको तेजी दिखाई दी, तो आप यहां पर देख सकते हैं फिर से स्टॉक यहां पर 1600 रुपए के ऊपर जाने के बाद जब गिरना स्टार्ट करता है तो फाइनली एक बार फिर स्टॉक गिरा कहां तक, अपने सपोर्ट तक, मतलब 1360 रुपए तक, ये देखिएगा। 1360 तक गिरने के बाद फिर से सपोर्ट जनरेट किया, स्टॉक में एक हल्की तेजी दिखाई दी, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि स्टॉक प्रॉपरली ऊपर नहीं गया, यहां पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला है, ये देखिएगा। और इस कंसोलिडेशन के बाद फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। यदि आपने ऑलरेडी बाइंग किया है 1360 पे, होल्डिंग को कंटिन्यू रखना है नीचे की तरफ 1300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन यदि बाइंग नहीं किया है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, हो सकता है स्टॉक आपको नीचे की तरफ एक बार फिर से 1360 या 1350 पे देखने को मिले। यदि 1360-1350 के ऊपर स्टॉक मिलेगा तब आप यहां पर डेफिनेटली बाइंग करेंगे। नीचे की तरफ 1300 रुपए का स्टॉप लॉस रख करके ऊपर की तरफ क्या टारगेट रखेंगे, तो पहला टारगेट आपका निकल करके आएगा 1550, ये देखिएगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट यहां पर होने वाला है। और सेकंड टारगेट की बात करें तो वो आपका रहेगा 1650। 1550 पे आपको 50% क्वांटिटी बुक करना है, बची हुई क्वांटिटी को 1650 रुपए पे हम यहां पर बुक करेंगे। तो फ्रेंड यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 1300 रुपए का है, लगभग 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है और टारगेट यहां पर आपके अच्छे खासे बढ़े, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको ट्रेड अचीव होगा, यहां पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा स्टॉक को, डेफिनेटली अच्छे ट्रेड आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। यहां पर आपको बता दूं ये जो रेंज अभी चल रही है इसके पहले एक गैप क्रिएट हुई है, वो गैप अभी तक फिल नहीं हुई। यहां पर देखेंगे आप, ये देखिएगा, यहां पर हम थोड़ा चार्ट को इधर लेके आते हैं। अब आप देखिए कहां पर आपको गैप दिखाई दे रही है, अब आप यहां पर देख सकते हैं वही वाला चार्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट यहां पर मैंने अप्लाई किया हुआ है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिएगा, इतनी बड़ी यहां पर एक गैप क्रिएट हुई थी और ये वाली गैप फिर से फिल नहीं हुई है। यहां पर आप देख रहे हर बार स्टॉक यहां तक जाता है और नीचे लौटता है। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा यदि आप बाइंग करेंगे 1360 के आसपास, तो आपके जो टारगेट है वो पहला टारगेट मैंने 1550 है, दूसरा 1650 बताया है, और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 1300 रुपए है। लेकिन यदि 1650 तक जाएगा टारगेट तो हम बुक कर लेंगे और यहां से यदि कभी ब्रेकआउट होता है तो उस समय फिर से वीडियो पोस्ट की जाएगी और आपको बताएंगे कि इस गैप फिलिंग थ्योरी को किस तरीके से प्ले करना है। लेकिन उसके लिए भी बहुत टाइम है, इसके लिए अभी मैं आपको प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं करूंगा। जब भी स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा इस लेवल को, किस लेवल को, 1650 के लेवल को, उस समय हम उस पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे उस समय नए टारगेट। तो अभी फिलहाल के जो टारगेट है मैंने आपको यहां पर बता दिए कि आपको यहां पर क्या टारगेट रखना है और आपका यहां पर क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस को मद्देनजर रखते हुए एंट्री करना है और यदि आप करेंगे तो आपको यहां पर ध्यान रखना है जो टारगेट और स्टॉप लॉस बताएं उसको आपको प्ले करने के लिए थोड़ा टाइम यहां पर देना होगा। तो फ्रेंड ये था हमारा टेक्निकल व्यू इन्फोसिस शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।